हेलो फ्रेंड्स, वीबीटी थ्योरी जब हम लोगों ने पढ़ी, वैलेंस बाउंड थ्योरी, तो वहाँ पर हमने ये सीखा कि ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन वहाँ पर जो उस वैलेंस बाउंड थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका शेप कैसा होगा, उसका आकार क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिंग और स्लैटर ने एक और कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम लोगों ने ऑर्बिटल तो जान रखे हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है, पी की उससे ज़्यादा होती है और डी की उससे भी ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक ये प्रोसेस है जिसमें ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, लगभग बराबर हो या बिल्कुल बराबर हो, उनको मिक्स कर देते हैं और हम नए ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर और इक्वल एनर्जी और नियरली सिमिलर और इक्वल एनर्जी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब ऐसे ऑर्बिटल को हमें मिक्स करना है जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो या सेम हो, और उनको फिर नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देना होता है जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब वही ओवरलैप करते हैं। इस थ्योरी के पढ़ने के बाद हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यानी उसका शेप बताएंगे कि उसका शेप क्या होगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल, बोरान ट्राई क्लोराइड मॉलिक्यूल, इसका शेप क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बोरान ट्राई क्लोराइड मॉलिक्यूल बना होगा। हम यहां पे हाइब्रिडाइजेशन को भी जो है एक्सप्रेस करेंगे। बोरान का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बिल्कुल वैकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, यहां हम देख रहे हैं। तो कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको यह मालूम है कि केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो यहां पर हाफ फिल्ड कितने ऑर्बिटल हैं? केवल एक, यानी कि बोरान को केवल एक बॉन्ड ही बनाना चाहिए। लेकिन बोरान यहाँ पर तीन फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो तीन के साथ कैसे बना लिया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो केवल हमारे पास एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फिल्ड है, कहने का मतलब जिसमें वन इलेक्ट्रॉन है। तो तीन बॉन्ड, तीन एटम के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? बस इसी मॉलिक्यूल को देख करके आप समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब हम क्या करें यदि इस ऑर्बिटल को, 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 तीनों को मिक्स कर दें
और तीनों को जब मिक्स कर देंगे तो तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और मिक्स करने के बाद हम कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन। जितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं उतने ही ऑर्बिटल नए फॉर्म किए जाते हैं। वो बात अलग है कि जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनका नाम अलग हो जाता है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, हमें एस ऑर्बिटल और पी के दो ऑर्बिटल मिलाने हैं। कहने का मतलब ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ES में एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हासिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हासिल करेंगे। क्योंकि क्योंकि फिर तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और ये ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 क्यों कहेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल हमने s का मिलाया है और दो ऑर्बिटल हमने p के मिलाए हैं, तो यहाँ पे sp2 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको यहाँ मिलेंगे। तीन क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने एक ऑर्बिटल s मिलाया है और दो p ऑर्बिटल मिलाए हैं, तो टोटल हमने कितने ऑर्बिटल मिलाए हैं, तीन। और कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, तीन। जितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं उतने ही ऑर्बिटल नए फॉर्म होते हैं, लेकिन उनका नाम, अब ये s केवल ऑर्बिटल नहीं है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तीनों। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि अब बोरान के पास कितने हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल ये हो जाएगा और एक तीसरा ऑर्बिटल ये हो जाएगा। और तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरान के पास तीनों ऑर्बिटल, जो ये कौन से ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और एक बात याद रखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं, दो एटम के ऑर्बिटल मिक्स नहीं किए जाते। किसी एक ही एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करना जिनकी एनर्जी या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करना जिनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो जाए। ठीक, तो ये तीन ऑर्बिटल एनर्जी भी इक्वल होती है और उनकी सिमेट्री भी इक्वल होती है, तो अब इनका एनर्जी साइज भी इक्वल होता है। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप किससे होगा, ये तीन ऑर्बिटल किसके हैं, ये बोरान के हैं। अब हम देखेंगे फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात, फ्लोरीन एटम की बात। तो फ्लोरीन के पास होता है 2, 8, 7, यानी कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा। यदि हम इसका डिटेल कॉन्फिगरेशन लिखें तो फ्लोरीन का 2, 7 होता है, 2, 8, 7 नहीं होता, 2, 7 होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो अब इसका 1s2, 2s2, 2p, 5। अब हम यहां पर देख रहे हैं फ्लोरीन का जो ये pz, px, py, pz, pz ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो हाफ फिल्ड है, तो इसका भी एक p ऑर्बिटल आकर के यहाँ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद फिर क्या बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक बात और याद रखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ये सिग्मा, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग होती है। कहने का मतलब पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे और आपका BF3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद हम क्या बता पाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है। तो शेप कैसा होता है, तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों सेम पोजिशन पे होंगे, कहने का मतलब तीनों इक्वल डिस्टेंस पे लोकेट होंगे, तो तीनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और वो एंगल होता है 120 डिग्री। और इसका जो शेप होता है,
वो शेप कैसा होता है? शेप होता है ट्रायंगुलर, ट्राई एंगुलर, या हम कह सकते हैं ट्राइगोनल, ट्राई ट्राइगोनल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और इसका शेप कैसा होता है? प्लेनर होता है, प्लेनर ट्राइगोनल, ये ऐसा। अगर हम इसको मान लें, ये आप लोग देखना, ये बोरान है, ये बोरान है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इनके बीच में कितना एंगल हो रहा है? 120, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120, इधर भी 120 और यहाँ पर भी 120 होता है। और ये कैसा है? प्लेनर है, कहने का मतलब प्लेन पे रख सकते हैं इसको, इसको हम अपने हाथ में ऐसे प्लेन में रख सकते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 इसी। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और उसका जो शेप होता है वो कैसा? ट्रायंगुलर होता है, यानी कि तीन कोण होते हैं, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे हमको मॉलिक्यूल का शेप भी मालूम होता है। वैसे ही जब हम मेथेन की बात करते हैं, तो मेथेन में हम देखें, मेथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p1। में दो इलेक्ट्रॉन और p में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अगर हम देखें तो कार्बन को केवल कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? सॉरी, 2p2, 6 होता है तो 2p2 हो जाएगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ पे दो आ गए। इस आधार पर अगर हम देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर हम देखते हैं, तो केवल कार्बन कितने ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करेंगे? केवल px और py, यही दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे? दो। लेकिन हम देखते हैं कार्बन की वैलेंस कितनी होती है? 4। तो किस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने उसको समझाया? अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? अब हम एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, हमने पढ़ रखा है। तो हम तीनों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? फिर हम 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलाएंगे, और 4 sp3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक s है और 3 p ऑर्बिटल मिला रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट और फिर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये 4 ऑर्बिटल ऐसे हो गए जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ये 4। तो जब 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो चारों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि तीन दो चारों के बीच में जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो इक्वल होगी। तो शेप कैसा बनेगा? शेप बनेगा टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय, कार्बन अब इसमें ये जो ऑर्बिटल है ये अंदर की ओर है, लेकिन यहां पे नहीं दिखेगा, जब उसका मॉडल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये 4 ऑर्बिटल हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और चारों ऑर्बिटल्स कैसे हैं? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये केवल कार्बन की बात है,
अब चार हाइड्रोजन अलग अलग आएंगे और उसको इन ऑर्बिटल्स में के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे मेथेन मॉलिक्यूल। मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब कार्बन के जो चार ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे चार। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी हम फोर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स आएंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के चार ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और बनेगा मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, ये मैंने कहा कि अंदर की ओर है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, ये है टेट्राहेड्रल नेचर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको आप देख रहे हैं, यहां पे ले लेंगे एक हेड्रॉन इस साइड में बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक हमारी ओर और एक नीचे की ओर। चार हेड्रॉन बन रहे हैं, चार फलक बन रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं टेट्रा हेड्रल बोलते हैं। ये एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक नीचे की ओर, ये है टेट्राहेड्रल यानी मेथेन का स्ट्रक्चर। ये चार हाइड्रोजन है और ये चार बॉन्ड है। अब इसके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा होता है? बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर आप बोर्ड में जो हमने ड्रॉ किया है देखिए, यहां से तो लगता है कि बॉन्ड एंगल इतना, ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा बोर्ड में हम अंदर क्यों नहीं लिख सकते? तो ये स्ट्रक्चर होता है। यहां देखेंगे तो सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, जिस चाहे इसको जैसे घुमाएं, ये डिस्टेंस, ये जो एंगल होगा इन दो बॉन्ड के बीच में, चाहे किसी भी बॉन्ड के बीच में हम देखें, चाहे इसके इसके बीच में देखें, 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है मेथेन में। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई मेथेन की। अब हम बात करते हैं अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जहां पे NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमोनिया के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। अमोनिया में नाइट्रोजन, टू और फाइव, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। पांच में से एक बात यहां पे और याद कर लें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दो टर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ जिनकी शेयरिंग हो जाती है, मींस जो बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन कितने हैं? तीन हैं। और तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक की शेयरिंग हो गई यहां पे और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी शेयरिंग नहीं हुई है। कहने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी शेयरिंग नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या उसको एक नाम देते हैं लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है, ऑक्टेट में तो शामिल हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग नहीं होती, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम यहां देखें नाइट्रोजन के कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? तीन इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्डिंग कर लिया है, कहने के मतलब तीन की शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग नहीं होती है और ये होता है लोन पेयर। अभी जब वेस्पर थ्योरी हम लोग बताएंगे, VSEPR, तो वेस्पर थ्योरी, तो उसमें भी इनका हम जिक्र करेंगे, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों का जिक्र होगा। तो लोन पेयर क्या होता है, समझ गए? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी शेयरिंग नहीं होती, अर्थात जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनकी शेयरिंग नहीं हुई है तो इसे क्या कहेंगे? नॉन
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या कहेंगे लोन पेयर। ठीक, तो इस लोन पेयर को याद रखेंगे। अमोनिया में क्या होता है कि तीन होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि छह हो जाते हैं, तीन शेयर किए जाते हैं तो तीन और मिल गए, यानी छह हो गए, तो छह बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिड शेप का होता है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये तो हो गए बॉन्ड, लेकिन ये है लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऊपर की ओर होता है, यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हमने लोन पेयर से दिखाया है, और ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी तीन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, sp3 होता है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन का एक और फॉर्मूला अगले वीडियो में बताएंगे कि फॉर्मूले से, या कोई अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम हो तो उससे हम किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन के लिए और डेफिनेशन लिखने के लिए और स्ट्रक्चर बताने के लिए इतना याद रखेंगे। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो येलो वाला दिखाया है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें इस ऑर्बिटल में है, और ये तीन, तो पिरामिड शेप होता है। कैसा शेप होता है, पिरामिड, क्योंकि ऊपर की ओर लोन पेयर होता है तो ये पिरामिड टाइप का दिख रहा है। तीनों को अगर हम मिला दें तो एक पिरामिड बनेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेस्पर थ्योरी की अगली वीडियो में।